अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको गुलशन इकबाल पार्क लाहौर की सैर करा रहे हैं। यहाँ ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत यहाँ के मनाज़िर हैं। इस वक्त हम गुलशन इकबाल पार्क के अंदर आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा पार्क है और साफ़ सुथरा है। इसमें ये एक गेट है जहाँ से हम अंदर आए हैं और एक दूसरी तरफ गेट है। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर हैं। हमारे साथ रहिए और मेरे व्लॉग को एंड तक देखें, यहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरा बेटा और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आके। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। कुछ लोग यहाँ तो पिकनिक के लिए आए हुए हैं और कुछ यहाँ एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए आए हुए हैं। बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ा पार्क है और फुल इंजॉय करते हैं वो यहाँ पर आके। कुछ वैसे ही धूप को इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा होगा। ये मेरे व्लॉग का पार्ट वन है, बहुत जल्द मैं आपका पार्ट टू भी इसका दिखाऊंगी। हाँ, बच्चों के लिए एक छोटा सा ज़ू था तो वो हम ढूंढ रहे हैं कि कहीं वो मिले, क्योंकि मेरे बेटे को वो देखना है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हिरन थे। हाँ, मामा यही थे। हाँ, आपको बेटा एंजॉय कर रहे हो आप? मैं इसके नीचे जाऊँ? जाओ, चले जाओ। ओके मम्मा, मैं इसके नीचे घूम के चले जाऊं। चले जाओ। पहले आपके पास कोई चीज़ है जो आप इसको खिलाओगे? खाएंगे ही नहीं। आप खिलाओगे तो ज़रूर खाएंगे। वो ये देखें कितना प्यारा क्यूट सा और बाबा खिलाने देंगे ही नहीं। क्यों? बाबा के हैंड को काट ही काटेगा। कुछ खिला रहे हैं बाबा से क्या? नहीं, बाबा ने बस देखा है। बाबा देख रहे हैं सिर्फ। ये देखो कितना क्यूट है डियर। ओ बाबा, मैंने मामा बाबा और मैंने वो सिंह वाला हिरन देखा है। देखा ना कितना प्यारा है। यहाँ फ्लावर कितने प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर। यहाँ ये जो नदी आपको नज़र आ रही है, ये पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन अब इसका पानी इतना ज़्यादा साफ नहीं है। मामा तो बाबा परेशानी का बाबा का टाइम आ गया। क्यों बेटा? क्योंकि बोट है ही नहीं। हम आगे तलाश करेंगे, एक और जगह पे है जहाँ बोटिंग वगैरह हुआ होती है। हम बोटिंग वाली जगह तलाश करते करते घूम घुमा के हम वापस वहीं पर आ गए, क्योंकि यहाँ पारा कितना बड़ा है कि कुछ भी ढूंढना ज़रा मुश्किल लगता है, क्योंकि हम बहुत अरसे बाद आए हैं इधर। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, यहाँ भी बच्चे वगैरह प्ले करते हैं। मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर ना ये लोग फुटबॉल या हॉकी वगैरह की गेम खेलते होंगे शायद। चलें आगे चलते हैं कि और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। मेरे बेटा तो बहुत खुश है, वो तो खुशी से माशाल्लाह झूम रहा है। वो कहता है मैं जा रहा हूँ, भागो मुझे पकड़ो। फुल माशाल्लाह एंजॉय कर रहा है।
चले जी अब इन लोगों का स्टाइल देखें। अल्लाह से जो डरने वाले कलमा भी कहां पढ़ने वाले हैं, इस कम के अलावा अल्लाह के रही हूँ। अब ये लोग लेट गए हैं, थक गया लगता है, ये लोग खेल खेल के एंजॉय कर कर। ओ मैं थक गया हूँ, मैं दिल चाह रहा है मेरा, मैं भाग जाऊँ। कहाँ भागोगे बेटा जी, बहुत तेज भागोगे। ये देखे, अब हमें ना एक आबशार नजर आई है और मेरा बेटा कह रहा है कि मैंने इसके ऊपर चढ़ना है। ये आबशार मेरा ख्याल है डेंगू की वजह से बंद की हुई है, ये मच्छर वगैरह पैदा होते हैं। बस अब तो लोग तस्वीरें उतारने के लिए आ जाते हैं बस। खूबसूरत बनी हुई है ये मंजर भी, बड़ा खूबसूरत है। यानी कि इस पार्क में ना हर चीज़ें हैं तकरीबन। ये देखें, ये भी कितना प्यारा है, इसको कहते हैं क्या नाम है इस जिप लाइन एडवेंचर। ये भी लोग ना, इसकी टिकट है तकरीबन 150 के करीब। हमें ना वो बोटिंग वाली जगह नहीं मिल रही तो हमने कहा क्यों ना हम गाड़ी में बैठें। मेरा बेटा कहता है हमने कहा हमें भी पता चल जाएगा कि यहाँ इस पार्क में और क्या क्या चीज़ें, हम आप लोगों को भी दिखा सकते। आहिस्ता आहिस्ता ताकि इंजॉय कर ले बंदा। यहाँ पर गाड़ी में तकरीबन हर चीज नजर आ रही है, वो देखें वहाँ इस वक्त मैच शुरू हो चुका है। बस गाड़ी का सफर हो गया ख़त्म और हमने ढूंढ ली है बोटिंग वाली जगह। मम्मा ये बहुत प्यारी डक है, बहुत 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 प्यारी डक। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, कलरफुल हैं, ब्राउन वाइट ब्लैक। बाबा तो लगता है इसे हाथ ही लगा देंगे। इसमें दो तरह की बोटिंग थी, एक पैडल वाली और दूसरी मोटर वाली। क्योंकि हमारे साथ हमारा बेटा था इसलिए हमने मोटर बोट में बैठे और साथ ये लोग सेफ्टी जैकेट भी इन लोगों ने पहनाई। हम बैठ चुके हैं। हाँ मम्मा ये तो बड़ी हिलती है, इसमें तो इन लोगों ने रस्सी बांधी हुई है। बेटा कोई बात नहीं, हम नीचे डूब जाएंगे के। नहीं डूबते, नहीं डूबते तुमने तो नहीं, इससे अच्छा हम जंप मार के ऐसे ऐसे हाथों से चले। बड़ा मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत मजा। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारा मंजर है। ओए ये डक यहीं पर अपनी अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। ये बहुत प्यारे डक हैं, बहुत जल्द अपनी नई वीडियो में।